हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ का ट्रिक लेके आई हूँ, जो कि काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाला है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और ये क्या है, ये साइंस का ही केमिस्ट्री का पोर्शन है, जो कि टॉपिक है। एंड हम बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं हमारी क्या है ट्रिक आज की। तो देखो, सबसे पहले हम ट्रिक पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यहाँ पर ये गिवन है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो ये एक ट्रिक है जिससे क्या करेगा कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसमें आप क्या करोगे रिएक्टिविटी सीरीज़ को काफ़ी ईजिली अपने मतलब कि याद रख सकते हो। तो एक बार और मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। तो आप देखो इसमें क्या है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इसमें हमारे वो सारे रिएक्टिविटी सीरीज़ के जो वो एलिमेंट है वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एलिमेंट भी आपको आगे दिखा रखा है। फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, पोटेशियम, काशी का के पोटेशियम, नाथ का एन ए सोडियम, कैल्शियम का को मैंने यहाँ पे सी ए ले लिया है, ठीक है, के ए की जगह सी ए ले लिया, जिसे हमें ये रिकॉल ईजिली हो जाए। कैल्शियम का सी ए, मैग्नीशियम एम जी, एलुमिनियम आलू एलुमिनियम ए एल, एंड जरा जरा का जेड जिंक जेड एन, फीके का एफ ई आयरन, आगे है पकाता, पकाता मतलब कि इसका पी पी भी मतलब लेड है, हाइड्रोजन एच, कौन कौन की जगह मैंने यहाँ पे के आपका जो साउंड होगा वो सी यू में कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो क्या है कॉपर सी यू, एंड है का मतलब मरकरी, ये यहाँ पे हम मैंने एम बना रखा है, ठीक है, एंड आगे आगे में ए जी मतलब कि ए जी क्या है सिल्वर, आओ मतलब ए यू मतलब गोल्ड। तो ये हमारी क्या है रिएक्टिविटी सीरीज़ है, जो कि क्या है मैंने आपको ट्रिक के वे में समझाया है। अब इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि ये अगर आपको ट्रिक याद हो जाएगा, अगर आप इस ट्रिक से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी इजी पड़ेगा और काफ़ी कम समय में आप सारे सीरीज़ को अपने माइंड में मतलब कि याद रख सकते हो, स्टोर रख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर आपको ये बता रखा है कि देखो यहाँ साइड में भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो ये वाली टर्म होती है यहाँ पर, ये वाली जो टर्म है हमारी यहाँ पे पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं। ये वाली जो टर्म हमारी होती है क्या होती है, ये वाटर के साथ रिएक्टेड होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये वाटर से रिएक्ट होते हैं और ये जो होते हैं मोर रिएक्टिव भी होते हैं। आगे यहाँ पर हमें दे रखा है एलुमिनियम जिंक आयरन और लेड, ये अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो लेड से लेके यहाँ पे देखो, लेड से लेके जो मैंने रेड कलर की एरो डाल रखी है इसमें आपको मैंने ये बोल रखा है कि ये वाले जो एलिमेंट होते हैं काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। आज हम इस अपने वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में ही क्या करेंगे, अपने पूरे इस रिएक्टिव सीरीज़ को कवर कर लेंगे और आपका 5 मिनट का ये वीडियो आपको 1 मिनट क्या 1 मिनट से कम में आपको ये सारे एलिमेंट को लिखने के लाइक बना देगा, याद रखने के लाइक बनाएगा, ठीक है, लाइक नहीं मतलब आपको याद ही हो जाएगा कंफर्म। आगे देखो जो हाइड्रोजन होता है हमारा वो क्या करता है, वो हमारा कंपैरिजन के लिए होता है, जो हाइड्रोजन होता है ये कंपेयर करता है। बहुत रेयर ही होगा कि आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन इंक्लूड ना हो, मोस्टली आपको हाइड्रोजन और कार्बन के ही कंपाउंड मिलेंगे हर जगह। तो हाइड्रोजन किस का यूज़ मतलब क्या है कि ये कंपेरिजन में
कंपैरिजन के लिए होता है। अब देखो हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी लेस रिएक्टिव में ही काउंट होता है। देखो तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड एक बार और मैं लास्ट मोमेंट पे आपको ये रिकॉल करवा देती हूँ, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है, आगे आओ। ठीक है, तो आप लोग एक से दो बार इसको देख लो, आपको याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मैं और भी वीडियो आपके लिए ट्रिकी वे में बनाती रहूँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।